दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को रिमूव कैसे करें, व्हाट्सएप चैनल को डिलीट कैसे करें, व्हाट्सएप चैनल को कैसे हटाएं, क्योंकि आपको पता है मैं पहले दिखाता हूं कि जो ओल्ड चल रहा था हमारे फ़ोन में इस प्रकार से चल रहा है मेरे दूसरे फ़ोन में, और मेरे जो नया फ़ोन है जिसको मैंने व्हाट्सएप को अपडेट किया तो वो वर्जन बदल गया, और बदलने के बाद वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप अपडेट का, जो आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन रिकॉर्डर आपके सामने लाइव प्रूफ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि मुझे वही पुराना वाला चाहिए जो केवल स्टेटस दिखाई दे रहा था, अच्छा लग रहा था, और ये वाला जो है व्हाट्सएप चैनल अपडेट का जो ऑप्शन आया है इसको कैसे हटाएं, इसको रिमूव कैसे करें, डिलीट कैसे करें, वो मतलब यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहें तो अपना पुराना वाला ही वर्जन को चला सकते हैं, यदि उसको जो है अपडेट कर दिए हैं तभी मैं आपको तरीका बताऊँगा कैसे आप चला सकते हैं और आपको इसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसको करने के लिए आपको सिंपली अपने जाना है मोबाइल के गूगल में। मैं आपको दोनों का मैं बता दूं कि दोनों वर्जन बदल गया, जब आप अपडेट करेंगे तो आपका नया वर्जन आएगा और नया वर्जन में आपका 100% वो डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, व्हाट्सएप चैनल का ऑप्शन शो करेगा इंस्टाग्राम जैसा। और यदि आपको पुराना वाला वर्जन चाहिए तो उस वर्जन को आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल में। गूगल में आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन डाउनलोड, बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है जो आपके सामने लाइव प्रूफ रहेगा। व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन डाउनलोड, ओल्ड वर्जन डाउनलोड, व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन डाउनलोड करेंगे तो जो फर्स्ट वाली साइट आती है इस पर हम आपको बताते हैं, इसी पे आपको क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं अप डाउन वाले पे, ओल्डर वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन जो आपका नया अपडेट आएगा वो नया अपडेट ऊपर है, ठीक है, तो इस अपडेट को आपको इंस्टॉल नहीं करना, ओल्ड वाला आपको बहुत सारे नीचे मिल जाएंगे देख सकते हैं, तो आपको इसमें से कोई भी आप ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज दैट 7172 को आप करिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं 7172 बहुत ही अच्छा है, इसको यदि आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और एक बार इसको डाउनलोड का ऑप्शंस लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद लाइव प्रूफ आप देखिएगा कि यहाँ पे डाउनलोड एनीवे करते हैं, डिटेल्स करते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और इसको इंस्टॉल कर अपना मोबाइल नंबर डालकर जब चालू करेंगे तो ये आपका बिल्कुल पुराना वाला वर्जन जो है आ जाएगा, यही तरीका। बाकी वो जो है व्हाट्सएप जो आपका है वो हटने वाला नहीं है, वो व्हाट्सएप जो है रहेगा, अब नया फीचर्स आ गया है टेलीग्राम जैसा, सब लोग यहीं से लिंक करेंगे, जुड़ेंगे, आपको पसंद नहीं तो पुराना वर्जन लोड करिए, नहीं तो नया वाले पर रहना है तो रह लीजिए, यही आपको वीडियो में बताना था।